हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर मैच हो रहा है मेजर लीग सॉकर का, लॉस एंजलिस एफसी वर्सेस वैंकोवर के बीच, जो कि खेला जाएगा 8:11 पे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो लॉस एंजलिस एंड वैंकोवर में हम लोग फेवर करेंगे डबल साइड को, लेकिन वैंकोवर को इतना भी नहीं, मतलब मैं 70% मैं लॉस एंजलिस के साथ हूँ और 30% मैं हूँ वैंकोवर के साथ। बट कुछ भी हो सकता है इस मैच में, क्योंकि लॉस एंजलिस टीम बहुत अमेजिंग है, कई बार फॉर्म में अगर आ गई तो रोकना मुश्किल है। भले वैंकोवर के प्लेयर गोल जितने मर्जी क्यों ना कर लें, फिर लॉस एंजलिस नहीं रुकेगी। तो देखते हैं, काफ़ी आपसी मैच है, बहुत एक लेवल का मैच है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, देखो भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर बी वाइट है, जो किसी भी टीम को गोल कर सकता है। एल ए जी के खिलाफ भी इसने, लॉस एंजलिस की एक कोई दूसरी टीम है एल ए जी, मतलब लॉस एंजलिस गैलेक्सी, उनके अगेंस्ट 14 अप्रैल को गोल किया था। और ये टीम है लॉस एंजलिस एफ सी, तो इनके अगेंस्ट मुझे लगता है कर सकता है, क्योंकि पहले भी इसने प्रीवियस सीजन के अंदर काफ़ी कुछ किया हुआ, और बी वाइट ने इस साल भी काफ़ी गोल अपने नाम किए हैं, तो मैं इसके साथ हूँ। आगे बात करें लॉस एंजलिस की, देखिए लॉस एंजलिस टीम थोड़ी डाउनफॉल तो चल रहा है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लगते ही जीत जाएगी। मैंने आपको क्या बोला, अगर वो फॉर्म में आई, क्योंकि ये टीम वीक हो गई है। इस टीम में पहले बहुत अच्छे अच्छे स्ट्राइकर हुआ करते थे, इस टीम में एक स्ट्राइकर का नाम था सी वेला, वो इतना अच्छा था। इनकी टीम्स में हॉलिंग्स हेड पहले करता था मिडफील्डिंग सेक्शन में, अब उसको यहाँ पर डाल दिया डिफेंडिंग में, तो बहुत कुछ चेंजेस हैं। तो बॉगस को लूँगा, बॉगस प्रिपेयर्ड है, क्योंकि बॉगस को बहुत आई थिंक 1 ईयर पहले ही इन्होंने स्ट्राइकिंग में उतार दिया था, तो शायद इनको पता था कि कोई दिक्कत आएगी, तो ये बॉगस तो मेन है। एंड सी ओलिविरिया भी लूँगा मैं, तो भाई मैं तो रिस्क लूँगा, मैं पिकोल्ट को नहीं ले रहा। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, मिडफील्डिंग में यहाँ पर ए कुबास एंड स्कोफ, क्योंकि ए अहमद पर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, गोल करने वाली चीज़ ही नहीं है वो। मेरे को पता है कि कुबास बिना गोल करे भी उतने पॉइंट दे देगा, जिससे हम संतुष्ट हों। एंड स्कॉफ की बात करें, स्कॉफ तो बहुत पुराना प्लेयर, पुराना मतलब एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक खेल लेता है भाई किसी भी टीम के आगे। उसके बाद डेनिस बोंगा द मेन कैप्टन ऑप्शन, किसी भी टीम को गोल करवा लो, पिछले साल सबसे ज़्यादा गोल थे, एक एक मैच में 4 गोल भी कर लेता है आराम से, पिछले साल का रिकॉर्ड देखो, आप खुद बोलोगे कि क्या प्लेयर है, इसलिए इसको लो। उसके बाद टी टिलमैन अगर आपको दिखता तो आज ले लेना, क्योंकि आपको पता है इनकी मिडफील्डिंग अब इतनी अच्छी रही नहीं, तो इनके गिने चुने प्लेयर हैं, जब तक वो खेल रहे हैं ये टीम जीतेगी, क्योंकि ई एटवेस्टा मेरे को इतना प्रिपेयर्ड लग नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू टिलमैन, सो मैं टिलमैन के साथ हूँ। एंड डिफेंडिंग की अगर बात करें, देखिए भाई चुपचाप एक पहले तो हॉलिंग सेट करो, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैंने आपको बोला ना कितने साल तो उसने मिडफील्डिंग में बिताए हैं, और ऐसा प्लेयर है गोल भी कर देता है कई बार। एंड मुरिलो की बात करें, मुरिलो को ज़रूरी लेना है। और थर्ड डिफेंडिंग में एक प्लेयर है चेनॉट, देखो चेनॉट अगर खेलता है तो लोग जरूर लेंगे, लेकिन आपने चेनॉट को नहीं लेना, आप प्रेफर करूँगा मैं आपको चौथा डिफेंडर कैंपस, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें गोल कीपिंग में आपने लेना है यहाँ से वैंकोवर का एक प्लेयर, जिसका नाम है यो ही, पहले इस टीम में नहीं था, अभी आया है, तो देखते हैं कैसा खेलता है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है डेनिस बोंगा और वाइस कैप्टन बॉगस, तो ये मेरी टीम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।